हेलो दोस्तों, आज बिंदियास किचन में हम बनाएंगे सर्दियों में चाय का मजा दुगना कर देने वाली हरी भरी फ्रेश मेथी की खस्ता मसाला पापड़ी। और इस मसाला पापड़ी की सबसे खास बात कि इसे आज हम मेथी के साथ साथ गेहूं के आटे से बनाएंगे, तो ये काफी हेल्थी भी बनेगी और टेस्टी भी। और ये मसाला पापड़ी इतनी खस्ता क्रिस्पी करारी बनती है कि मुंह में जाते ही घुल जाए। और इसे आप एक बार बना करके 2 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सुपर टेस्टी खस्ता क्रिस्पी करारी मेथी की मसाला पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे 2 कप फ्रेश मेथी। सर्दियों का सीजन है, अभी हरी भरी फ्रेश मेथी आसानी से मिल जाती है। तो सबसे पहले यहाँ हम मेथी के डंठल निकाल कर इस तरह से पत्ते अलग कर देंगे और इन्हें धो करके बारीक से चॉप कर लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने मेथी को अच्छे से धो करके इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। अब हम यहाँ लेंगे एक फ्राई पैन, फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच घी और घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। और घी के पिघलने पर इसमें हम डालेंगे हमारी हरी भरी फ्रेश मेथी जो अभी हमने कट करके रखी थी ना, ये सारी हम इसमें डाल देंगे और इसे हम लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। मेथी को इस तरह भूनने से होगा क्या कि मेथी का सारा कड़वापन निकल जाएगा और मेथी हल्की सी सॉफ्ट भी हो जाएगी। दोस्तों, मेथी गुणों से भरपूर है और अगर आप इस तरह से मेथी के अलग अलग नाश्ते बनाकर बच्चों को खिलाएंगे तो उन्हें पता भी नहीं पड़ेगा और बहुत ही मजे से खाएंगे। और ये देखिए, हमारी मेथी अच्छे से भुन गई है और ये थोड़ी श्रिंक भी हो गई है, इसका सारा मॉइस्चर खत्म हो गया है। तो बस इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। और अब हम यहाँ लेंगे एक बोल और इसमें हम डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा। आज मैं अपनी पापड़ी को हेल्थी बना रही हूँ इसलिए मैं गेहूं का आटा यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ चाहे तो मैदा भी डाल सकते हैं। और अब हमारी पापड़ी को एकदम क्रिस्पी करारी बनाने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ सूजी। तो यहाँ मैं 1/2 कप बारीक वाली सूजी डाल रही हूँ। अगर आपके पास बारीक सूजी ना हो तो आप नॉर्मल सूजी भी डाल सकते हैं। और अब हमारी पापड़ी को फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, यहाँ मैंने काली मिर्च को दरदरा सा कूट लिया है। साथ ही यहाँ हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, जिसे हम हाथों से इस तरह से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन का हमारी पापड़ी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर आएगा। और अब हमारी पापड़ी को चटपटा स्पाइसी सा बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, यहाँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इसमें तीखापन कम होता है पर इससे बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। और अब हम इसमें डालेंगे हमारी भुनी हुई मेथी जो अभी हमने भुन के रखी थी ना, वो सारी हम इसमें डाल देंगे। और अब सभी चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों, अपने मैदे की मठरी और पापड़ियाँ तो बहुत खाई होगी, एक बार गेहूं के आटे से ये मेथी की मसाला पापड़ी बनाकर देखना, आपको बहुत पसंद आएगी। और ये लीजिए, सारे मसाले और मेथी आटे के अंदर अच्छे से मिक्स हो गए। अब हमारी पापड़ी को एकदम खस्ता बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे मोइन। तो मोइन के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ घी, यहाँ मैं 3 बड़े चम्मच घी डाल रही हूँ। घी से क्या होगा ना कि हमारी पापड़ी काफ़ी खस्ता बनेगी और तेल भी नहीं सोखेगी। और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल। तिल सर्दियों में खाना काफ़ी फायदेमंद होता है और पापड़ी में तिल का काफ़ी बढ़िया टेस्ट आएगा, क्रंच आएगा और लुकिंग तो बढ़िया आएगी। तो अब हम इन सभी चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स। और इसे अब हम हाथों से इस तरह से रब करते हुए मिक्स करेंगे ताकि रेशे रेशे मोइन बढ़िया से चला जाए। और ये देखिए, सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया। और अब हम थोड़ा सा मिक्सचर लेकर इस तरह मुट्ठी बांध कर देखेंगे। ये देखिए, मिक्सचर बन रहा है, बिखर नहीं रहा, मतलब हमने जो मोइन डाला है ना वो एकदम परफेक्ट है। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सख्त आटा लगाएंगे। ध्यान है, पानी एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और सेमी हार्ड डो लगाएंगे। दोस्तों, इसी तरह मैंने पहले भी आपके साथ मेथी का पराठा, मेथी वड़ा, मक्की मेथी का नाश्ता, मेथी मटर मलाई और भी बहुत सारी रेसिपी शेयर करी है। उन्हें आप जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा, वो आपको बहुत पसंद आएगी। और उनकी रेसिपी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ देख सकते हैं। और ये लीजिए, यहाँ हमने डो अच्छे से लगा लिया है। ये देखिए, एकदम सख्त डो लगा है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मसल लेंगे। जितना अच्छे से हम इसे मसलेंगे ना, उतनी हमारी पापड़ी खस्ता और बढ़िया बनेगी। तो यह हमने डो अच्छे से लगा लिया है, अब इसे हम करने देंगे रेस्ट। तो उसके लिए हम इस पर लगाएंगे ढक्कन और 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने देंगे। इसमें हमने सूजी डाली ना, ताकि सूजी भी अच्छे से फूल करके सेट हो जाए। 10 मिनट हो गए, अब हम डो चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, डो यहाँ हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो इसे हम एक बार और अच्छे से मसल लेंगे। और अब हम इस डो में से लेंगे थोड़ा सा पोर्शन और हाथों में इस तरह से इसे रोल करेंगे और एकदम स्मूथ लोई तैयार करेंगे। और बाकी का जो ये डो है ना, इसे हम ढक करके अलग रख देंगे।
और अब हम इसे रखेंगे चकले पर और एकदम पतला बेल लेंगे, जैसे पापड़ी के लिए पतली रोटी तैयार करते ना, बिल्कुल वैसी इसे पतली सी बेल लेंगे। दोस्तों आज हम यहाँ पापड़ी बना रहे हैं, आप यहाँ चाहे तो इसी डो से मठरी या फिर सांखे भी बना सकते हैं। और ये देखिए यहाँ मैंने गोल पतली रोटी बेल ली है, और अब हम यहाँ लेंगे एक फोक और फोक से इस तरह इसमें होल कर देंगे, इस तरह से छेद कर देंगे। इससे क्या होगा ना कि जब हम पापड़ी को फ्राई करेंगे ना तो वो फूलेगी नहीं। तो यहाँ पूरी चपाती पर मैंने अच्छे से छेद कर लिए। अब हम यहाँ लेंगे इस तरह का कुकी कटर, अगर आपके पास ऐसा कुकी कटर ना हो तो सिंपली आप घर का कोई भी गिलास ले लीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा इसकी जो ये कॉर्नर है ना ये थोड़ी सी शार्प हो। तो बस अब हम ग्लास को इस तरह प्रेस करते हुए इसके गोल सर्किल कट करेंगे, जितनी आप एक बार में कर सकते हो उतनी सर्किल आप इसके कट कर ले। और इस तरह सारे पीसेस कट करने के बाद ये जो बचा हुआ पोर्शन है ना इसे हम हटा देंगे, और ये देखिए क्या परफेक्ट हमारा सर्किल तैयार हुआ है। तो इसे हम रखेंगे प्लेट में और इसी तरीके से हम सारे पीसेस निकाल लेंगे, और ये जो बचा हुआ डो है ना इसे हम पहले वाले डो के अंदर मिक्स करके फिर से इसकी पापड़ियाँ तैयार करेंगे। और ये लीजिए यहाँ मैंने कुछ पापड़ियाँ तैयार कर लिए, तो चलिए इसे जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। अब हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई और तेल को मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देंगे। ध्यान रहे तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इसको मीडियम फ्लेम पर ही गर्म करेंगे। तो यह हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया, बढ़िया सी हीट आ रही है। अब हम फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम, और लो मीडियम फ्लेम पर हम इसमें एक एक पापड़ी को धीरे धीरे डालते जाएंगे। ध्यान रहे इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, जिससे हमारी जो पापड़ी है ना अंदर तक अच्छे से सिके, जल्दी से लाल ना हो। और यहाँ आप देख सकते हो कि जैसे ही हम इसमें पूरी डाले ना वो एकदम से ऊपर नहीं आ रही है, तो हमें बस इतना ही गरम तेल चाहिए। तो यहाँ हमने एक एक करके सारी पूड़ियाँ डाल दी है, और जब इस तरह से पूड़ियाँ ऊपर फ्लोट होने लगे ना तो इसे इस तरह दबाते हुए दोनों तरफ से गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। मस्ट ट्राई रेसिपी है दोस्तों, इसे आप एक बार जरूर ट्राई करना, मेरी गारंटी कि बनाते बनाते आप आधी तो इसे ऐसे ही चट कर जाओगे। और इन पापड़ियों को आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हो, और फिर आप इसकी चाहे दही पापड़ी बनाओ या फिर पापड़ी चाट बनाओ, या फिर चाहे तो आप इसे चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। और ये देखिए हमारी पापड़ी पर बढ़िया गोल्डन क्रिस्पी कलर आ गया है, तो बस इसे हम इसी स्टेज पर निकाल देंगे, क्योंकि अपनी गर्माइश में अभी और भी लाल होगी। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे, और इसी तरीके से हम बाकी की पापड़ियों को भी फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए हमारा दूसरा बैच भी अच्छे से फ्राई हो गया है, तो बस इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये लीजिए हमारी बहुत ही लाजवाब खस्ता क्रिस्पी करारी मेथी मसाला पापड़ियाँ बिल्कुल तैयार। और ये देखिए क्या इस पापड़ी को देखकर कोई बोल सकता है कि इतनी खस्ता क्रिस्पी करारी पापड़ी आपने गेहूं के आटे से और वो भी घर पर बनाई है। और ये देखिए सुनिए अपनी आवाज, बनिए ना एकदम खस्ता क्रिस्पी। और इस मसाला पापड़ी को हम एंजॉय करेंगे गर्मा गर्म चाय के साथ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।